लता मंगेशकर, यूं तो इनके अनगिनत गीत ऐसे हैं जो कानों में मिसरी घोल जाएं, लेकिन मैं जिस गीत की बात करने वाली हूँ वो उन गीतों में से है जो न सिर्फ अपनी कॉम्पोजिशन, अपनी पिक्चराइजेशन या जिस तरह से लता जी ने इसे गाया है इसके लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सत्यम शिवम सुंदरम का थीम सॉन्ग, जिसे लता जी ने गाने के लिए ही मना कर दिया था। क्यों? आज यही बताने वाली हूं, रील नहीं, रियल स्टोरीज में। '78 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, राज कपूर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। शशि कपूर और जीनत अमान इस फिल्म में लीड रोल में थे। इस गाने में एक खिंचाव है। अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने जिक्र किया था कि उस दौरान राज कपूर साहब के साथ कुछ कहासुनी हो गई और लता जी ने कहा कि वो फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए नहीं गाएंगी, ये थीम सॉन्ग तो नहीं गाएंगी। जब ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि अगर लता जी नहीं गाएंगी तो वो भी ये फिल्म नहीं करेंगे। ये बात पहुंची पंडित नरेंद्र शर्मा जी के पास, जिन्होंने इस फिल्म के कई गीत लिखे थे जिसमें ये थीम सॉन्ग भी शामिल था। लता जी कहती हैं, मैं उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। उनका फोन आया क्योंकि उन्हें सबने कहा कि आप ही लता जी को मना सकते हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा, बेटा आइए और गीत को गा दीजिए। लता जी बोली, सिर्फ आप कह रहे हैं इसलिए गाऊंगी। पंडित जी बोले, चलो ठीक है। लता जी कहती है, मैं बहुत गुस्से में गई, बोली बताइए क्या गाना है। गाना लिखा, लक्ष्मी जी ने गाना शुरू किया, म्यूजिक के साथ सुना और फिर एक बार गाया, फिर माइक पर चली गई, एक रिहर्सल की। सबने कहा, बहुत अच्छा हुआ है, चलिए टेक करते हैं। एक ही टेक में गाना ओके हो गया। लता जी कहती है, मैंने चप्पल पहनी और मैं बाहर। और ये गीत कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत। सत्यम शिवम सुंदरम, फिल्म के म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने अपना फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता। इसी फिल्म के लिए मुकेश साहब ने अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था। गीत था चंचल शीतल निर्मल कोमल। ये फिल्म जीनत अमान के लिए भी बहुत खास थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। वह राज कपूर साहब के साथ एक फिल्म कर रही थी, वकील बाबू, 1982 में ये रिलीज हुई। इसमें राज कपूर भी थे और शशि कपूर भी। वो कहती हैं, राज कपूर साहब बस फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की ही बातें किया करते थे और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आता था, बहुत अट्रैक्ट करता था। वो कहती हैं, उस वक्त की हर एक्ट्रेस राज कपूर साहब की इस फिल्म में काम करना चाहती थी क्योंकि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और मैं तो उनके साथ काम कर रही थी। जब मैं उनके स्टूडियो के आसपास ही शूट कर रही थी, एक दिन मैंने बिल्कुल उसी तरह से उस कैरेक्टर को, जिस तरह से मैं उसे देख रही थी, तैयार हुई और स्टूडियो चली गई। वो कहती हैं, शायद राज कपूर साहब उस वक्त थोड़ा हैरान भी हो गए क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्टार थी और उन्होंने कहा कि ये लड़की इतनी बड़ी स्टार है लेकिन फिर भी वो इस कैरेक्टर को करने के लिए कितनी दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने अपनी वाइफ कृष्णा राज कपूर को वहां बुलाया और कृष्णा जी ने उन्हें सोने का सिक्का दिया, यानी कि ये तय हो गया कि जीनत अमान ही उस कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं। कमर्शियल सिनेमा के घेरे में ये राज कपूर साहब की बहुत रेयर एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। अब बात इस फिल्म के थीम सॉन्ग की हुई है और लता जी की, जिन्हें बतौर सिंगर जितनी मोहब्बत मिली, जितना नाम मिला, जितना सम्मान मिला, जो रुतबा मिला, इतनी कामयाबी मिली, जितना लंबा करियर इनका रहा, यानी कि जो मकाम इन्हें हासिल हुआ है वो शायद ही किसी और को मिला हो या मिलेगा। इनके गीतों को सुनकर जनरेशंस बड़ी हुई हैं। इनके गाए गीतों पर लिपसिंग करते हुए हीरोइंस ने गर्व महसूस किया है। अब चाहे लता जी ने कोई गीत गुस्से में गाया हो या फिर खुशी से गाया हो, गायकी के साथ इंसाफ किया है। शायद इसीलिए
उनके गीतों के बिना हिंदी फिल्म्स को इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है।